सर, लगातार शहर में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस दिन प्रतिदिन सर सुरक्षा में लगी हुई है, कैसे वो अपनी सुरक्षा ध्यान रख रहे हैं सर? अब कुछ जानकारी है कि कुछ पुलिस वाले भी संक्रमित हुए हैं। हम जानते हैं कि पुलिस चूंकि इसमें ग्राउंड लेवल पर कटिंग एज पर काम करती है, इसलिए उसके लिए भी सुरक्षा उतना ही महत्वपूर्ण है और उसको उसके प्रति उतना ही वो संभावित है, प्रोन है खतरों को लेकर के। इसके लिए अभी आज पीपी किट भी मंगवाए गए हैं, वो पीपी किट प्रदान किए जाएंगे ताकि वो अपनी सुरक्षा भी बेहतर ढंग से कर सकें। साथ ही साथ इसमें निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस के जो हमारे जवान हैं, हमारे जो लोग हैं, वो गलियों तक जाएं, जो जो मुख्य लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को समझाएं, और मुख्य तौर पे लोग बाहर निकल रहे हैं इस मामले को लेकर काफ़ी सख्ती रखें। जहाँ तक इस पूरे मामले की बात, हम जानते हैं कि दूध को लेकर के कल शाम को कुछ रियायत दी गई थी, लेकिन उसमें भीड़ ज़्यादा दिखी थी जो कि अभी वर्तमान परिस्थिति के अनुसार ठीक नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए आज तय किया गया सुबह से कि दूध तो बिकेगा, चूँकि एक अनिवार्य वस्तु है और हर लोगों की आवश्यकता है, लेकिन इसमें तय किया गया कि दुग्ध बेचने के लिए जो लोग घर घर पहुंचाना चाहते हैं, बहुत सारे दुग्ध विक्रेता हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनके पास अपने स्कूटर्स हैं, अपनी व्हीकल्स हैं या साइकिल हैं, उसके माध्यम से लोगों को डोर टू डोर जा करके दूध देते हैं। इसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं है। जो छूट की अवधि है यानी कि सुबह 8 से 10 बजे तक, इस बीच में वो दूध को पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ जो बड़े दुग्ध विक्रेता हैं जिनकी चेन है, उसमें वो अपने दूध को निश्चित जगह पर लाएंगे, लेकिन वहाँ पर कोई खरीदने के लिए नहीं जाएगा। उनके पास जो अपना उनका चेन हो, अपना जो सिस्टम हो, उसके माध्यम से वो भी लोगों के घर तक उसको पहुँचा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। अगर वो भीड़ अगर इकट्ठी होगी तो अभी जो समस्या की मूल वजह है, फिर वही हमारी पूरी मेहनत ही बेकार हो जाएगी पूरी जो है, क्योंकि उस समय कई बार लोग क्षणिक उन चीज़ों के लिए कई बार हम ध्यान नहीं रख पाते, जो तमाम जो इसके लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारी अपेक्षाएं हैं जो इस बीमारी से बचने के लिए, उनका हम कहीं ना कहीं अतिक्रमण कर देते हैं। तो जरूरत है कि सुरक्षा को देखते हुए दुग्ध और बाकी चीज़ें भी मिलेंगी। जहाँ तक बाकी चीज़ों की समस्या की बात है, मेडिकल शॉप्स पूरी तरह खुले हुए हैं, बाकी जो अत्यावश्यक जो सुविधाएं हैं, जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उसके माध्यम से सारी चीज़ें खाद्य संबंधी और बाकी चीज़ें पहुँच रही हैं, इसलिए लोगों को कोई समस्या नहीं है और किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर से मदद की जा रही। लेकिन बिना किसी वजह के अगर कोई बाहर निकलता है, अभी वर्तमान जो कार्रवाई है उसका अगर उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ फिर सख्त से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि न सिर्फ उस व्यक्ति की सुरक्षा बल्कि एक समाज की सुरक्षा के लिए और इस बीमारी को कम करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए भी ऐसे कठोर कदम उठाने आवश्यक है। सर,